बना गंगा किनारे वाला। हाय गाइस, दिस इज पार्ट टू ऑफ आवर होली व्लॉग, जिसमें आज छोटी होली है। तो आज गांव में रिवाज है कि एक नहीं काफ़ी सारे मंदिर है गांव में, जहां पे पूजने के लिए जाते हैं, जल चढ़ाने के लिए सबकी पूजा होती है छोटी होली वाले दिन। ये यहां पे रिवाज है और मैं हर बार जाती हूं। तो आज भी मैं, भाभी और भाभी के दोनों बच्चे, हम सब लोग जा रहे थे पूजा करने के लिए। राज ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पे, और मेरे जो जेठ जी हैं, नंद है, वो घर पे ही रुके हैं, और मम्मी जो मेरी सासू माँ है वो भी घर पे ही रुकी हुई हैं। तो अब हरी हरी रहेगी क्या? कौन से महीने में होते हैं हरे हरे? पकेगी नहीं क्या ये? कौन से महीने में होते हैं? पूरे गांव के मंदिरों में पूजा करते करते गाइज 1 बजे का टाइम हो गया। उसके बाद हम आए, जो मेन होली की पूजा होती है ना, जो दिन में आते हैं होली पूजा करने बाहर, वो करने के लिए आई थी। और ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं भूलने ही वाली थी, बट फिर भी थोड़ा सा किया। हाय गाइज, तो अब भी मैं कर रही हूँ लंच। बहुत भूख लग रही है, सच बता रही हूँ। आज इतना लेट हो गया ना, 1:30-2 बज रहे हैं शायद पूजा करने में। और इसके अलावा 2 बजे तक तो वैसे मैं खुद ही घर पे ही खाना खाती हूँ, लेकिन सुबह क्या है ना, हम हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद भूख ही नहीं लगती है। लेकिन आज हालत ख़राब हो गई। एनीवे, राज यहाँ पर लेटे हुए हैं, रात हो गई है, 10:30 बज रहे हैं और होली का टाइम है आज, मुहूर्त होली जलाने वाले का 10:30 बजे का। तो बस हम उसी का वेट कर रहे हैं, 10:30 बजने का, 10-5 मिनट बचे हैं। उसके बाद हम जाने वाले हैं नीचे और होली जलाएंगे। जलते हुए जो पूजा वगैरह होती है वो करेंगे, बाल वगैरह जो भूनते हैं ना वो करेंगे। छोटा सा दिखाऊँगी आपको अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि अंधेरा हो रहा है, इतना ज़्यादा लाइट वगैरह नहीं है नीचे तो। यस, और बाकी टाइम मैं एडिटिंग कर रही थी गाइज। सच में कितना काम करने वाली लड़की है। देखो टाइम, देखो 10:26 का टाइम हो रहा है। यस, मिलते हैं, चलो बाद में, ठीक है? उठा कर रख दो चिमटे से। तो मेरे ससुराल में, गांव में ना, सारी जो चीज़ें होती हैं ना मंदिर के हिसाब से होती हैं। वहाँ पे मंदिर में जो पंडित जी हैं वही टाइम निकालते हैं पूजन का। होली दिवाली सब कुछ ऐसे ही होता है। तो आज भी होली पूजन का, सॉरी, जो जलाने का टाइम था वो रात का था, 10:30 बजे का। और 10 बजे के बाद जब जाते हैं, जो गाँव में एक होली जो बड़ी होली रखी जाती है वो, उसमें जब जलते हैं उसके बाद वो उस सांच को घर पर ला के फिर जलाया जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी लेट हो गया था हमें, आज 12 बज गए थे रात के। तो बस थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया, काफ़ी नींद आ रही थी यार। ऑलरेडी मैं सारे दिन ना एडिटिंग वगैरह में बिजी रही थी, इंस्टा पे रील वगैरह अपलोड की थी, क्योंकि देखो मैं तुलसा छोले भाई छोले तो सो रही है भाई। गुड नाइट। बहुत लेट हो गया आज हमने, 12 बजे, बिल्कुल 12 बज रहे हैं, 12:06 हो रहे हैं होली पूज में। Happy Holi guys, happy Holi।
इधर तो दे ना इतना ही। हैप्पी होली टू यू, हैप्पी होली, हैप्पी होली। हे भगवान तो मुझे होली खेलना वैसे भी पर्सनली पसंद नहीं है, और मेरे ससुराल में भी ज़्यादा कोई होली नहीं खेलता है। बस राज को ही शौक चढ़ता है, तो वो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाके खेलने लगे थे, और हम तो भाई दोनों देवरानी जेठानी घर में एक दूसरे को ही गुलाल लगा रहे थे, और ये आप देख ही सकते हो। और भाभी ने भी कुछ कुछ वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया है, तो इसलिए वो भी अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही थी, तो इसलिए दो फ़ोन रखे थे, इसलिए वो बार बार अपने फ़ोन में देख रही थी ऑन है कि नहीं है। पहले भी जब ससुराल के व्लॉग बनाए तो आप लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि मेरी सासू माँ मेरे व्लॉग में क्यों नहीं आती है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। फर्स्ट तो कि हर कोई इतना कंफर्टेबल नहीं होता है कैमरे के आगे, सेकंड के एक एक्सीडेंट की वजह से ना शी इज़ हैंडीकैप्ड, तो वो ज़्यादा कुछ करती नहीं है, वो ज़्यादा टाइम हम उनको रेस्ट करने के लिए देते हैं, तो इसलिए लाइक आई डोंट वांट के लोग कुछ भी बोले उनके बारे में। आजकल लोगों को अपने से प्रॉब्लम नहीं है, दूसरों से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो बस आई डोंट वांट कि लोग उनको आके कुछ भी बोलें। लोग मुझे कुछ भी बोलेंगे चलेगा, बट उनको कुछ भी बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, और मुझे बहुत बुरा लगता है अगर कोई कुछ बोलेगा भी, तो इसलिए मैं उनको व्लॉग में शामिल नहीं करती हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि वो एक्टिव नहीं है, वो बिल्कुल एक्टिव है, बोलती हैं, करती हैं, चलती हैं, बट फिर भी। एंड आई होप कि इस बारे में आप मुझसे सेकेंड टाइम सवाल नहीं करोगे, मैंने इसीलिए क्लियर कर दिया है। सेकेंड, यहाँ पे देखो राज आ गए थे, और अभी जो मुझे कलर लगा रहे थे ना, वो राज के फ्रेंड आ गए थे अचानक से। मैं और भाभी वीडियो बना रहे थे और आराम से एक दूसरे को रंग लगा रहे थे, तभी राज के फ्रेंड आके अचानक से मेरे को गुलाल वगैरह लगाने पड़े। और यहाँ पे सारे ये जो हैं ये फ्रेंड वगैरह ही हैं, और इन्होंने देखा, नोटिस किया कि मेरा वीडियो बन रहा है, तो थोड़ा सेक्शनबाजी भी कर दी। ऊपर अपने रूम में लंच करने के लिए नहा लिया है मैंने, और होली हमने खेली नहीं कुछ ऐसे ही ज़्यादा। और ये देखो ट्राइपॉड भी खड़ा है, क्योंकि मैं यहाँ पे ना ट्रांजिशन वीडियो बनाने का सोच रही थी, बट नहीं बनाया। फिर पहले तो मैं सोच रही थी कि एक ट्रांजिशन वीडियो बना लूँगी, बट बाद में थोड़ा बिजी हो गए काम वाम करने में, तो थोड़ा लेट हो गया, फिर मेरा मन ही नहीं गया, फिर मुझे लगाया नहा दो के हटाओ क्या करना। और अब मैं लंच करके, मुझे थोड़ा सा थकान लग रही है, ऐसा लग रहा सो जाऊँ, तो ट्राई करूँगी, नींद मुझे आती नहीं है ऐसे, तो सोते हैं या फिर अपना एडिटिंग का कंप्लीट करूंगी मैं। देन मैंने होली वाले दिन गाइस कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि नॉर्मल ऐसे दिन जा रहा था जैसे आपके घर में होता है ना, कुछ नहीं खाना पीना सोना चलता रहता है होली खेलने के बाद, तो वही मेरे घर में भी चल रहा था। बाय द वे, यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे एक शॉर्ट रिकॉर्ड करनी थी मुझे ब्रांड के प्रमोशन की, जिसका मुझे बार बार मैसेज आ रहा था, तो मुझे करना ही पड़ा, प्रोडक्ट मैं अपने साथ लेके गई थी, तो मैंने बस वो शूट किया। और उसके बाद राज कुछ काम से मार्केट गए थे अपनी बाइक वगैरह रिपेयर करवाने, देन आके उन्होंने बोला अचानक से चलो चलो निकलना है, तो बस मैं फटाफट से पैकिंग के लिए तो लग गई। हम लोग फिर निकल गए मिलजुल के, सासू में वगैरह सबके, जेठानी वगैरह सबके मैंने पैर छुए, निकल गए। वो पार्ट मैंने गाइस रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है वो चीज़ रिकॉर्ड करना। और बस यहाँ पे हम एक रेस्टोरेंट में आ गए थे, और कुछ खाने पीने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लिया था हमने, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव हो गई थी हमारी काफ़ी। अब तक तो आपने गैस भी कर लिया होगा, अब हम कहाँ के लिए निकले हैं, तो जी हाँ, अब हम जा रहे हैं भरतपुर भाई दूज मनाने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे थी भाई दूज। आकाश का खाना खत्म कर दिए ससुराल से निकल के मैं जा रही हूँ गाइस माई का मैं कह रही हूँ माई का जा रही हूँ, वो आइस टी दिखा रहा है। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम रेड बुल ट्राई किया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा इतना। Waiting for pizza hut ka order. We have ordered first time from pizza hut. हमेशा ही हम डोमिनोज का try करते हैं, first time ever try करने वाले pizza.
कैसा लगा? काफी टेस्टी है, पर मुझे डोमिनोज ज़्यादा पसंद है। डोमिनोज कहाँ का नहीं है? आज भाई चांस हमारे पास ट्राइपॉड था तो हमने दोनों का फोटो कर लिया, अदरवाइज ना हमारा सिंगल सिंगल फोटो है, साथ में फोटो ही नहीं है ज्यादा। गाइज मेरे पेट शैडो की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है कुछ दिन से, एंड आज हमें बहुत कम उम्मीद लग रही थी इसके बचने की। सच बताऊँ बुरा लग रहा है बोलने में, बट या डॉक्टर्स ने यही बोल दिया है, और इसकी एज भी काफ़ी हो गई है, 10 ईयर ओल्ड हो गया है ये। तो यार डॉक्टर्स आए थे घर पे, इसको ड्रिप लगाने का ट्राई भी किया, बट उनको इसकी वेंस नहीं दिखी। उन्होंने इतना ट्राई किया, 1 घंटा पूरा इसी में चला गया था, बट लास्ट में उन्होंने फिर इंजेक्शन ही लगाया जो कि बहुत ही स्लो असर करने वाला है। उन्होंने पहले ही बोल दिया था ड्रिप लगेगी तो बेस्ट रहेगा, बट ड्रिप नहीं लग पाई। उसके बाद हमने कहानी वगैरह सुनी पूजा की, और जो भी पूछते हैं जो लोगों क्या होता है उनको पता होगा ना, भाई दूज जो होती है होली वाली, वो हर किसी के घर नहीं होती, राजस्थान में आई गेस सबके यहाँ होती है। तो वो जो पूजा होती है गेट पे, जो पूजना होता है दुश्मनों को, वो सारा कुछ करा हमने। उसके बाद मुझे जाना था नानी के यहाँ, क्योंकि आपको पता है मेरे मामी के जो बेटे हैं मेरे कज़िन ब्रदर, वो एक्सपायर हुए थे, तो पहला त्यौहार है तो वहाँ पर जाना था। वहाँ पर हर बार मैं नहीं जाती हूँ, कभी कभी चले जाती हूँ, कई बार नहीं जाती हूँ, वो खुद आ जाते थे हमारे घर पर, बट इस बार तो जाना ही था। तो वो सब कुछ किया और फिर नानी के यहाँ गई, और वहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। मम्मी के पास है ना पर्स। मम्मी सोशल मीडिया पे भैया पैसे देने से मना कर रहे हैं, भैया ने बोला मेरा पर्स रह गया है शॉप में। तेरे सारे आ रहे हैं भैया, इसमें कैसे बताऊं मैं, 200 के सारे आ रहे हैं तेरे इसमें, 500 के सारे कर रहे हैं यार, मैं कैसे खिलाऊं इसको। कोई बात नहीं है बेटा, इनको हम 10 देते हैं तो 100 मिलती है, 100 देते हैं तो 1000, इसलिए मैं कह रही हूं 10,000 दे 20 मिलेंगे। सुंदर जैसा ऑफर लगा दे, ठीक है यार करवाया कर, ऐसे लेट के नहीं करवाती, मैं बेटियों को देने से कभी कमी नहीं पड़ती। कितना है लेट्स जो मैं उम्र की वो करी है मैंने काम ना। अब हम जा रहे हैं नानी के यहाँ थोड़ी सी कमाई करने, कमाई नानी के यहाँ ज़्यादा नहीं हो पाएगी, पर राम राम। आंटी लेके नहीं आए 2-4 रुपए, लेने जा रहे हैं, राम राम। मैं सोची राम राम क्यों कर रही है अनजान लोग से, बट ये तो जान पहचान वाली निकली, नहीं पता नहीं कौन है ना, तो फिर क्यों कह रही है, पता नहीं कौन है, पतली लग रही हूँ क्या बताना, नहीं। चलो जी, हो गया त्यौहार, नानी के यहाँ भी हुआ है, वहाँ पे मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि पता है आपको थोड़ा सा रोने वाला माहौल रहता है, क्योंकि दुख होता है यार, याद करते हैं हम लोग, इतनी जल्दी नहीं भूला जाता, इतनी जल्दी कैसे भूल जाएंगे, मतलब हमारे पापा को तो 10 साल होने को आए फिर भी नहीं भूला जाता है, अभी भी बार त्यौहार पर याद आती है। तो यहाँ पर मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, राज थोड़े से गुस्सा हो रहे थे क्योंकि हम लेट हो गए थे, हमारा 11 बजे का टाइम था निकलने का, और निकलते निकलते हमें बज गए थे 2, तो थोड़ा सा उनका शेड्यूल गड़बड़ हो गया था, क्योंकि उनको 2 बजे के बाद ना उनको 4 बजे से पेशेंट देखने थे।
आई अंडरस्टैंड, बट कोई बात नहीं, वो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाएंगे, मैंने भी कुछ नहीं बोला। तो अब हम पहुंच गए हैं जयपुर। जयपुर में मतलब बिल्कुल भी हमने रास्ते में ब्रेक नहीं लिया, बिल्कुल नॉन स्टॉप हमने गाड़ी चलाई, हमने क्या, मेरे पति ने चलाई। और यहाँ पे हम पहुंच गए हैं जयपुर। सुरभि को ड्रॉप किया, उसको अपने ऑफिस ज्वाइन करना था, क्योंकि सबका यार ऐसे ही रहता है आजकल की लाइफ स्टाइल, कितनी बिजी। घर पहुँच गए थे हम लोग, फिर मैंने थोड़ा सा आपको साड़ी का फुल लुक दिखाया है, क्योंकि ये बाद में लोग बोलेंगे इंटरेस्टेड हो जो भी बाय करने के लिए, मैं लिंक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी, मीशो से परचेज करी है, तो ये फुल लुक देख लेना। बहुत ही हैवी वर्क की साड़ी है, ब्लाउज भी इसका बहुत ही हैवी बनने वाला है, पहनने के बाद बहुत प्यारी लग रही थी और काफ़ी हैवी लग रही थी। उसके बाद मैं अपने घर के कामों में बिजी हो गई, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं घर के पीछे से क्या ही तो हम हालत करके जाते हैं, कपड़े वगैरह सब फैले रहते हैं। और साथ में मैंने बना लिया था यहाँ पे डिनर, राज ऑफिस चले गए थे, सॉरी पेशेंट देखने विजिट चले गए थे, तो मेरे को था कि वो आएंगे जब तक मुझे खाना रेडी करना है, क्योंकि आपको पता है मेरे पति का दिल का रास्ता ना पेट से उग जाता है, तो मुझे वो करना ही था। शाम को गाइस मैं यहाँ पे कर रही हूँ सारी चीज़ों को रीअरेंज, जो भी चीज़ें हैं मतलब साड़ी अपनी जगह, सारा सब कुछ सूटकेस वगैरह में जो जिस जगह रहता है वो सब कुछ मैं सेट कर रही थी। और कमर पे मैंने लगा ली थी बेल्ट, क्योंकि मेरी कमर बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। और बस इसी तरीके से मेरा दिन गया, और मैंने फटाफट से सारी चीज़ें रीअरेंज की, ताकि सुबह मेरा टाइम वेस्ट ना हो, कल से मैं अपने काम के ऊपर फोकस कर सकूं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग गाइस। मैंने बेड में से भी सारे कपड़े निकाल दिए, और सारे ब्लाउज एक जगह, पेटीकोट अलग, मतलब सब चीज़ें अरेंज करने का मैंने ट्राई किया। और राज तो बस रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि आके वो डायरेक्ट पेशेंट देखने गए थे, और मैंने तो रेस्ट कर लिया था। तो इसी तरीके से मैं व्लॉग्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने आपकी इस बार आपके साथ हर छोटी से छोटी चीज़ शेयर करने की कोशिश की है, आई होप कि आपको पसंद आएगा मेरा एफर्ट। अगर आपको इस तरीके से और भी व्लॉग्स देखने मेरे चैनल पर तो मुझे बता देना। मैं मिलती हूँ नई ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कॉमेंट किए बिना कहीं मत जाना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नई वीडियो के साथ। बाय।